मैं गाड़ी आगे कर दूं ताकि लोड करने में आसान हो भाई, थोड़ा सा पीछे करके लोड ना, जाना अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो गाड़ी थोड़ा लोड करते हैं आगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं ये मैं अपने यहाँ दोस्त पास आया हूँ, ये चंदन है, अंदर है, क्या अभी बुलाया नाश्ता करने की, आज मैं घास लेके आया। इधर ये साकिब नाम का लड़का है, इधर ये रोजक रखा है, इधर ज़्यादा वीडियो दोस्त नहीं बनाएंगे, इसी कैमरा लगा है। आइए चलते हैं रूम में, देख क्या है, नाश्ते बनाए रहेंगे, निकाल रखे हैं। क्या है भाई नाश्ते में, कुछ है बताओ, और बताओ कैसे? बहुत कुछ है, ठीक ठाक है सब कुछ। ठीक ठाक, बहुत नाराज लग रहे यार, क्या बात है यार, सर मरा दिए फिर, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं नाश्ते में, ये मेरे लिए पराठा लाए हैं जो, और ये इधर ये चावल रखा है इधर में, और फटा है वह यार गरीबी माटा वहाँ गिर का। फ्रेंड देख सकते हैं ये नाश्ता निकल चुका है, ये पालक सब्जी है, ये पराठा है, तो मेरे दोस्त इधर है, अभी दोस्त लेके हुए हैं, हाई कर दो हमारे दोस्त ने। हाँ तो थोड़ा ये बांग्लादेश के हैं, थोड़ा सा ये वीडियो में आना चाहते, बोले कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है, देख हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा इंतजार करें दोस्त पास, ये दोस्त नहीं खाएंगे भी बोल रहे हैं। सुबह से चावल क्यों खाते हो यार, चावल मत खाया करो भाई, थोड़ा नाराज हो रहा है दोस्तों, बोला कि ये भी ब्लॉग बनाना वीडियो जरूरी है, हमने कहा है जरूरी क्यों नहीं, जरूरी बहुत कुछ है, तो उसका घूम रही है अभी नहीं बना के दिया। ये कितने दिन आया चंदन भाई, ये रूम बने, ये मान चलिए एक महीने हुआ अभी, एकदम न्यू है, वो बोला है एक साल, तो आप लोग थोड़ा गलत मानिएगा। और एक तुम आगे भाई अभी खाना खाएंगे साथ में। अरे अरे हाई कर दो यार मेरे दोस्त के लिए, अरे हाई कर दो भाई खाने से पहले मेरे फ्रेंड। ठीक है ठीक है, अरे जलो मत यार, देखो ये तो हाई नहीं किया आप लोग को, थोड़ा सा कर देना चाहिए। अरे कर दो भाई एक बार, दोस्तों मैं नाश्ता करके उसके बाद आपको आगे लोकेशन देख सकते दे रहा हूँ आपको, कैमरामैन किधर से लाए हो, दिखाओ पास में क्या क्या खा रहे हैं घुमा के। इसे मछली भी है भाई जान, ठीक है मछली नहीं वो सा डंडा है, ये साग है साग, और सुंदर दिखा सकते हो, ये अम्बियाल है, मिरिंडा है, दही, इसको दही बोलते हैं, जवादी है, सगदी भी बोलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, अच्छा मेरा दोस्त पर चावल खाता है बस, वो बंगाली है चावल, मैं दोस्त नहीं हूँ यार, यार गलत बोल रहे हैं यार, शिकायत हो रहा है यार, कुछ सोचा करो, मेरे दोस्त देखेंगे ना बोलेंगे, वो मजाक कर रहा है, चलो बोलो भाई, आप भी बोलो भाई, आप भी बोलो ना, बोल दो भाई, वो टोपी वाले भाई, टोपी वाले भाई आप भी कुछ बोल दो, चंदन भाई वो तो सपोर्ट, बोल दो भाई चंदन भाई आप भी कुछ बोल दो थोड़ा, तो मैं भी एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, हर कोई सपोर्ट करना। ओके दोस्तों मेरा दोस्त एक ब्लॉग बनाने वाला है, आप हमारी नाम बताओ, बनाएंगे तब ना, अभी आईडी नाम नहीं बनाए, आईडी बना लेंगे, आप लोग लिंक बना देंगे, आप लोग जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, बोलिए जरूर करना। ओके बस बस बस, ओके बाय बाय, लाइक कर दो वीडियो को, फाइल बोला। मैं आ चुका हूँ अपने रूम में घास लेकर, मेरी बकरियाँ इंतजार कर रही हैं, देख सकते हैं आप, ये मुझको लग रही हैं, इनको चाहिए घास, क्योंकि मैं सुबह रोटी दे के गया था, और उधर दोस्त के साथ नाश्ता करके आया, अब चलेंगे इसको उतारेंगे दोस्तों, उतारेंगे फिर एक बार जाना पड़ेगा सऊदी, बोला जाके लाओ एक दो रद्द और, यानी मतलब कि दो तीन खेप लाना पड़ेगा, तो दोस्तों थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, बने रहिएगा ब्लॉक में, आपको दिखाते हैं अलग अलग लोकेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ दोबारा घास को, बज रहा है 12:10 दोस्तों क्या करें, मजबूरी है, सऊदी बोला घास मिल रही है तो लेके आ, ताकि 5-6 तक वेट करना पड़े, बैठ कर खाओ, तब ने सोचा चलो अच्छी बात है ले आके रख देंगे,
साथ देते बैठे के खाएंगे, हम भी वो भी खाएंगे, आनंद ही आनंद रहेगा। सऊदी का दिमाग सही है दिमाग लगा जो अच्छा दिमाग है, तो मेरे को आराम मिल जाएगा। एक दिन बहुत पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, उसके बाद दोबारा दिक्कत नहीं पड़ेगी। छः सात दिन बैठ के खाएंगे, मस्ती करेंगे। तो देख सकते हैं रोड का लोकेशन, ये मैं जा रहा हूँ वहीं अपने बंगाली दोस्त मजर में जाऊँगा। दोस्तों बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। देखो मैं जा रहा हूँ इसमें क्या कहते हैं, चलूँगा अभी तो बकाले पे जाऊँगा, रिटर्न हो सकता हूँ। मैं बकाले पे सामान कुछ खा लूँ खाने के लिए, ताकि थोड़ा सा भाई ठंडा उठा चाहिए ज़रूर। तो दोस्तों मैं अभी पहुँचूँगा मजरे में। मजरे पहुँचने के बाद देख सकते ब्रेकर है दोस्तों, ये ब्रेकर यहाँ खतरनाक होता है सऊदी में। आगे गाड़ी का काफ़ी तेज़ है, आपका गाड़ी 80 की स्पीड पर है दोस्तों। अगर 80 की स्पीड में अगर एक ब्रेक मारोगे आप गाड़ी फिसल जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि सऊदी में सही चलो, हिसाब चलो, ज़िंदगी सही चलेगी। अगर आप तेज़ से चलोगे, यानी बेलगाम घोड़ा बोलते जैसे कि धोखा खाता जरूर, तो वैसे अगर आप चलोगे धोखा जरूर खाओगे। तो दोस्तों वीडियो में रहिएगा, चलते हैं अपने मजरे में, दिखाते हैं लोकेशन। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे बंगाली भाई हैं, ये लोड कराएं, बहुत बहुत मदद करते हैं यार। देख सकते पूरा गाड़ी ये लोड कराएंगे, उसके बाद कितना है ये पूरा व्यू लोड करेंगे जितना है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये मेरे दोस्त, अरे हाल को तो हाय कर दो भाई, हाय बोल दो। तो ये सब मेरे वो सऊदी खड़े हैं उधर सामने, और इधर पूरी घास लोड हो जाए फ्री। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे दोबारा आना पड़ा और घास लोड करी कराने लगे दोस्तों। ये देख सकते हैं मेरा सऊदी खड़ा है वो सामने, हाँ थोड़ा मुस्कुरा रहा है। आज चलो जो पास दिखाएंगे भी, तो दोस्तों ये बोल रहे थोड़ा ऊपर जाने के लिए, थोड़ा दबाएंगे तो ज़्यादा आएगा। तो वीडियो बने रहिए, दिखाएंगे लास्ट तक। ये हमारे ये पाकिस्तानी भाई, हेलो हाँ कहते भाई, तो ये बोल रहे हैं थोड़ा सा लोड कर, देख सकते हैं मैं ये पूरा नीचे दबा रहा हूँ ताकि ज़्यादा आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है, ताकि दिक्कत ना हो ले जाने में। गाड़ी थोड़ा हरा है, वजन पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो सकती है गाड़ी निकलने में। तो ये देख सकते हैं ये हमारे दोस्त लोग हैं, सब बहुत हेल्प करते हैं, कसम से कह रहे हैं आप, इतना मदद करते हैं ये लोग कि इतना मदद करते हैं, समझ लीजिए कि बहुत 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 धन्यवाद के लिए, शुक्रिया। देखो ऐसे देखो दोस्तों, ऐसे खींचना पड़ता है इसको, समझ लीजिए। देखिए पसीना चूरा, देखिए अंदर देखिए पसीना इतना चरा, आपको देख रहा होगा कितना मेहनत पड़ती है काम करने में। हाँ ये देखो, ये खास दोस्त यही है, इसे मजरे के मुदीर इन सब आदमी देखते हैं, ये पूरा टोटल भाई। एक भाई हंस रहे हैं, देखो वो सब हैं, बस ये पाकिस्तानी भाई हैं, ये बांग्लादेश के, मैं इंडिया का हूँ। देख लो तीन देश के आदमी जुटे हैं इसमें, तीन देश के, कोई मुश्किल नहीं, सब एकदम टकाटक। हाँ जो लोग कहते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब एकदम नंबर एक है यहाँ दोस्तों। बस थोड़ा सा एक मिनट भाई, आगे ले जाना है। तो देख सकते हैं मेरे सब, सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं ये हमारे कफील हैं, अभी तक ये गाड़ी लोड कर रहे हैं पूरा टोटल, अभी जाएंगे ऊपर जाएंगे। अच्छा अमीर भाई खड़े हैं इधर, थोड़ा सा लोड करके चलेंगे, हाँ उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों आइए फिर लोड करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं गाड़ी लोड कर चुका हूँ, मेरे दोस्त है वो सब हेल्प करा दिए, जल्दी लोड करा दिए। तो देख सकते हैं कितना पसीना हुआ। तो दोस्तों यही ज़िंदगी आप आम आदमी की, परदेशियों की यही ज़िंदगी होती है, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। देख सकते हैं कितने गर्मी में 28 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, 48 डिग्री। तो देख सकते हैं आप कितना पसीना हुआ है, आपको देख सर दिख रहा होगा। ये रोड पर देखो अभी इस समय कितना धूप है, 12:48 हो रहा है इस समय दोस्तों। तो कहते नहीं है भाई, पैसा कमाना विदेश में आसान नहीं है। तो बहुत लोग इंडिया में बैठ के बोलते हैं भाई लोग कि बोलते हैं वहाँ पैसा बहुत आसान से कमा रहा है वो बैठ के। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों यहीं ऐसा पैसा कमाया जाता है, फ्री का पैसा कोई लेता नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं सऊदी के खाते हो उनकी बुराई करते हो, मैं बुराई नहीं करता दोस्तों किसी भी भाई, मैं काम कर रहा हूँ तभी सऊदी पैसा देता है, अगर मैं बैठ के पैसा खाऊँ तो सऊदी पैसा नहीं देगा दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए। देखता हूँ लोग कमेंट करते हैं कि वहाँ खाते हैं वहाँ बदनामी करते हो, दोस्तों मैं बदनामी नहीं करता, मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कैसा काम पड़ता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे सऊदी आपके साथ बर्ताव करता है, मैं ये सब बताता हूँ दोस्तों। गलत मैं जानकारी नहीं दूँगा आपको, सही जानकारी दूँगा, क्योंकि ऐसा कोई बंदा होगा तो जो आपको जानकारी देगा, समझ लीजिए। प्लीज़ अगर आप नए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर एक जानकारी आप सऊदी से मिलेगी। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए जोश के साथ में और वीडियो में उसके साथ में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।